न्यूज पथ पर अब सोशल अड्डा का थोड़ा सा रुख करते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। टमाटर की कीमतें घटने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में टमाटर 100 रुपए से लेकर 160 रुपए किलो तक बिक रहा है। मंडी में टमाटर कम पहुंच रहा है, लिहाजा दुकानदारों को भी टमाटर महंगा मिल रहा है और आम लोगों तक पहुंचते पहुंचते कीमत बजट के बाहर होने लगी। हालांकि सरकार उम्मीद जता रही है कि आने वाले एक दो हफ्तों में कीमतों में गिरावट आएगी। बाजार में टमाटर का पारा हाई है, टमाटर के दाम सातवें आसमान पर है। टमाटर अलग अलग बाजारों में मनमाने भाव में बिक रहा है। भोपाल में तो अब एक किलो टमाटर की कीमत करीब 160 रुपए किलोग्राम तक पहुंच गई है, जबकि देश के कई शहरों में टमाटर 120 से लेकर 140 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। टमाटर की बेतहाशा कीमतें सुनकर लोग भी गुस्से से लाल हो रहे हैं। कोई सरकार से कीमतें कम करने की गुहार लगा रहा है तो कोई सरकार से बढ़ी कीमतों पर सवाल कर रहा है। लोग अलग अलग अंदाज में विरोध प्रदर्शन करके स्थिति की गंभीरता को बयां कर रहे हैं। आज पूरे देश में टमाटर का भाव इतना हो चुका है कि गरीब आदमी आज चटनी भी नहीं बना सकता है, क्योंकि चटनी के लिए भी कम से कम 250 ग्राम या आधा किलो तो लेना ही पड़ेगा, तो लेना पड़ेगा तो कितना 30 रुपए या 60 रुपए का आएगा, तो कैसे जो है अपने वो परिवार का पालन कर सकता है, चटनी के साथ में खाना खा सकता है। ये तो सारा ही महंगा है भैया, टमाटर का ही रेट देख लीजिए, 160 रुपए बोल रहा है, लेकिन अभी कौन ही खाएगा टमाटर? 250 ग्राम ही आदमी लेके जाएगा, पहले जहाँ आदमी एक किलो लेके जाता था, अब जितना जरूरत से भी कम डालना ही होगा, कहीं ना कहीं तो जरूरत है ना हर चीज का, तो अब उसी हिसाब से ले रहे हैं, 250 ग्राम ले रहे हैं, 160 रुपए है, तो हर चीज देखते हुए चलना है ना। टमाटर का दाम इन्होंने 160 रुपए बोला। टमाटर ऐसी चीज है जो डेली यूज के लिए है और उसको उसके बिना काम नहीं चलता, हर सब्जी में टमाटर पड़ती है, लेकिन जो लोग नहीं खरीद सकते वहाँ 250 ग्राम के लिए भी 40 रुपए पे करना है, तो ये बहुत मुश्किल है। पहले मिलता था 30 रुपए 40 रुपए किलो, तो एक किलो लेते थे, अब 30 रुपए पाव दे रहा था, एक पाव लेके जा रहे हैं, हाँ क्वांटिटी घट गया, जरूरी है तो लेना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। आम तो आम लोग, दुकानदार भी परेशान हैं। मंडी में टमाटर मिल नहीं रहा, मिल रहा तो कीमत इतनी कि सुनकर खरीदने की हिम्मत नहीं हो रही कि खुदरा दुकानों में बेच सकें। दिन ब दिन भाव पड़ रहे हैं और सरकार इसके ऊपर कुछ नहीं देख रही है। टमाटर का भाव पहले सर 25-30 रुपए किलो था, बढ़िया टमाटर, आज टमाटर का भाव जो है वो 100-120 रुपए किलो है, और ऊपर से बेरोजगारी भी इतनी है, लोगों के पास पैसा नहीं है, और अब क्या कर सकते हैं। सरकार कुछ कर रहा ही नहीं कर रही, इतने दिन से महंगा लग रहा है, 500 रुपए टमाटर है, इस टाइम नहीं मिल रहा, ढूंढने से 300-350 का भी नहीं मिल रहा, बहुत महंगा टमाटर चल रहा है इस टाइम, बुरा हाल है, पूरी मंडी घूम लिया कहीं टमाटर नहीं है, सब 500 रुपए हेड़ी बोल रहे हैं, 2-2 हजार रुपए टमाटर आ रहे हैं, बताओ इतना महंगा हो रहा है टमाटर, बहुत बुरा हाल हो रहा है मंडी में। ये नहीं कि दुकानदार ही महंगी बेच रहा है, ऊपर से ही महंगा आ रहा है, जो क्रेट में 25 रुपए माल निकलता था आज वो 20 रुपए माल निकल रहा है, 5 किलो माल ऊपर से ही खराब आ रहा है, इसकी वजह से जो माल मद्दा होना चाहिए उस सड़े माल की तरह से माल महंगा है। ये हिमाचल प्रदेश के सोलन की सब्जी मंडी है, जहाँ से दिल्ली, यूपी, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब समेत कई राज्यों में टमाटर की सप्लाई होती है। यहाँ के व्यापारियों का कहना है कि इस बार मानसून की बारिश की वजह से टमाटर की फसल बर्बाद हुई है, लिहाजा कीमतें बढ़ी हैं। पिछले साल की अपेक्षा इस साल किसानों को शुरू से ही यहाँ से टमाटर का भाव मिलना शुरू हो गया था। इसका मेन कारण ये है कि जो हमारे लाडवा के टमाटर है, दिल्ली के टमाटर है और जो आसपास क्षेत्र थे वहाँ से टमाटर काफी निकलता था, परंतु जो बारिश हुई, बारिश होने की वजह से वो नरम पड़ गया और खत्म के आसार पे रहे, उनका टमाटर जो खेतों में है एक बारिश पड़ती है, नीचे धूप होती है, ऊपर से बारिश पड़ती है तो एकदम फट जाता है। वहीं सरकार का कहना है कि वो टमाटर की लगातार बढ़ती कीमतों पर नजर बनाए हुए है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले एक दो हफ्तों में कीमतें कम हो जाएंगी। सरकार का मानना है कि ये कीमतें स्थायी नहीं है, सीजनल है, लिहाजा जल्दी ही टमाटर की कीमतों में कमी आएगी। हम सब जानते हैं कि बारिश अनसीजनल बारिश हुई है, उसके कारण कीमतें बढ़ी हैं, और थोड़े दिनों में जैसे हिमाचल से टमाटर आना शुरू होगा, कुछ इलाके हैं कर्नाटक के वहां से आएगा, तो वो फिर एक बार सही दामों पे आ जाएगा। हालांकि सरकार दावा कर रही है कि जल्दी ही टमाटर के भाव गिरेंगे,
लेकिन मॉनसून जिस तरह मेहरबान है उससे लगता नहीं कि इतनी जल्दी टमाटर की कीमतों में कमी आएगी। जो टमाटर कभी 30-40 रुपए हुआ करता था वो 100 रुपए के रेट में, तो आप समझ सकते हैं कि 2.5 गुना दाम बढ़ने से क्या असर पड़ेगा। टमाटर का रेट आज के डेट में आपका 120 रुपए किलो है। एक नॉर्मल आदमी काम करने के लिए उसको आप 40 रुपए देते हो मजदूरी, और 40 रुपए में वो 120 रुपए का टमाटर कर देगा तो बाकी का सामान कहाँ से कर देगा? उसके लिए तो सारी चीजें अब 120 के बाद है ना, तो टमाटर तो खाएगा ही नहीं। जब तक टमाटर महंगा है वो तो टमाटर एक उसके लिए एक फल की तरह हो गया। टमाटर को लेकर के तमाम हाय तौबा मचता है हर बार, तो इस बार क्या रेट टमाटर मिल रहा है और कितना प्रभावित हो रहा है आपका किचन का बजट? टमाटर काफी लगभग 100-125 रुपए किलो हो गया है, और जैसे कि कुछ लोग घर में प्री प्रिपरेशन कर लेते हैं, प्यूरी वगैरह बना लेते हैं, उससे काम चला रहे हैं, तो जिस तरह से इकोनॉमिकल वे में काम चला सकते हैं नॉर्मल मिडिल क्लास वैसे काम चला रहे हैं।